अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। मुर्शिद पाक को सलाम है हमारा। जिस भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। और छोड़ दो कशवल कबूर, मैं पर्ची पे अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, मशीन डिजाइन का, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल का, तोड़ा जिंदा बाबा मुर्दा बाबा तक के पढ़ के सुना दे मनु के लिखे है, समझाना ने छोड़ दो। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के खत्म कर देने का। ठीक है, कहते हैं हजरत ने फरमाया जा दिल्ली, बंदा फड़ो असली जिन्हें काम पाया, कुतुब के पास तेरी खबर ले। फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब आ गया तू जवान हो के। कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना? कहते मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? हाँ। तो हजरत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की। मैं मदरसे जाना शुरू हुआ, वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। और बच्चे खेल रहे थे और हजरत बैठे उनका खेल देख रहे थे, वेले बैठे ने। किसी ने इशारा करके कहा भाई यही है कुतुब साहब। सामो इन्हां नूं ऐ जे बाबे तुहाडे। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला, लेकिन दिल में फिर वसवसा है, भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। प्रैंक हो गया आपके साथ। पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। फरमाते हैं जब मैं करीब गया ना तो मुझे आपने खड़ा किया और अपने हुजरे में चले गए। कहते जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद थी और बूढ़े हो चुके थे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूँ तेरा पीर हूँ यहाँ के नहीं हुआ। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया, मैंने कहा माफी दे दे। लानत है ऐसी तुम्हारी पढ़ाई होते जिसने तुम्हें ये पढ़ाया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया, मैंने कहा माफी दे दे। क्या तू बड़ा चंगा काम किया जे अल्लाह दे बंदे हो। फरमाने लगे हो ओ फरीद तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से गर्ज होनी चाहिए। हाँ सौदा ना मिलेगा तो फिर तू गिला करना। सब ड्रामे ने अपने आप नु दे ही रखो धोखे।